आईपीएल में हर साल कई सारे प्लेयर्स नीलामी से करोड़ों रुपए कमाते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 खिलाड़ियों के नाम बताने वाला हूं जो आईपीएल से करोड़ों रुपए कमा भी चुके हैं, लेकिन अब आईपीएल के खिलाफ ही लगातार बातें करते हैं और आईपीएल को ही ठेंगा दिखा रहे हैं। तो दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, एंड तक जरूर देखिए। और दोस्तों आप भी एमसीपी क्रिकेट फैमिली और आईपीएल फैन क्लब का हिस्सा बन सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस वीडियो को लाइक करना है। तो भाई यहाँ कहीं नीचे से अभी वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों पहले खिलाड़ी जिनका नाम हमने हमारी इस लिस्ट में सबसे ऊपर रखा है वो है ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क। दोस्तों अगर आईपीएल में आपको मिचेल स्टार्क का इतिहास पता होगा तो आपको ये तो पता ही होगा कि 2015 तक मिचेल स्टार्क लगातार रेगुलरली आईपीएल में आकर खेलते थे और करोड़ों रुपए कमा चुके थे आरसीबी की टीम से। लेकिन 2015 के बाद ये आईपीएल से धीरे धीरे कट्टी काटने लगे, मतलब आईपीएल से गायब होने लगे। और इसका सीधा एग्जाम्पल ये है कि वो लगातार खुद ही कहने लगे कि मुझे टेस्ट क्रिकेट खेलना है, मुझे आईपीएल से कोई मतलब नहीं है। हालांकि हर साल नीलामी में अपना नाम दे देते थे। 2018 में केकेआर की टीम ने अराउंड 9.5 करोड़ रुपए में मिचेल स्टार्क को खरीदा था, लेकिन वो आईपीएल में फिर भी खेलने नहीं आए और अपनी इंश्योरेंस कंपनी से लगातार पैसे क्लेम करते रहे। हालांकि अब तो इंश्योरेंस कंपनी के साथ भी इनका केस चल रहा है और आईपीएल को लगातार ठेंगा दिखाने का अब जो इन्हें अंजाम है ना, वो इंश्योरेंस कंपनी भी कोर्ट में दे रही है। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि स्टार्क भी वो प्लेयर है जो आईपीएल को ठेंगा दिखाते रहे। दूसरे खिलाड़ी जो लगातार आईपीएल को ठेंगा दिखा रहे हैं और अब इनके ठेंगे कुछ ज्यादा ही ऊंचे जा रहे हैं, जी हाँ, वो है पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी। दोस्तों अगर आपको शाहिद अफरीदी का आईपीएल में इतिहास पता होगा तो आपको ये पता ही होगा कि 2008 में जब आईपीएल की शुरुआत हुई थी तो शाहिद अफरीदी डेक्कन चार्जर्स की टीम का हिस्सा थे। करोड़ों रुपए इन्होंने आईपीएल से कमाए, भारत में आकर लगातार 2008 में खेले। लेकिन 2009 में मुंबई हमले के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आईपीएल से बाहर कर दिया गया, जो अभी तक रिवाइवल नहीं हो पाया है। लेकिन शाहिद अफरीदी की जो टोन थी वो फिर भी नहीं बदली। 2015-16 तक वो फिर भी आईपीएल के पक्ष में बयान देते रहे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि या तो एज ए प्लेयर या एज ए कोच या एज ए कॉमेंटेटर उनकी आईपीएल में एंट्री हो जाएगी। लेकिन जब अब उन्हें कन्फर्म हो गया है आज कि उनकी आईपीएल में एंट्री नहीं हो सकती, तो वो पिछले 1.5 साल से आईपीएल के खिलाफ बयान देने लगे हैं। पिछले साल भी उन्होंने पीएसएल से जुड़ा हुआ बयान दिया था, इस बार भी उन्होंने श्रीलंका प्लेयर्स का ना आना, पाकिस्तान में ना खेलने का ठीक रहा आईपीएल पर फोड़ा है। ये सारी चीजें बताती है कि भाई शाहिद अफरीदी किसी के नहीं हुए, सिर्फ पैसों के हुए। दोस्तों तीसरे खिलाड़ी जिनका नाम हमने हमारी इस लिस्ट में रखा है वो है इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड। दोस्तों अगर आपको 2008 में स्टुअर्ट ब्रॉड और आईपीएल का इतिहास नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। स्टुअर्ट ब्रॉड 2008 के दौर में बहुत बड़े लिमिटेड ओवर क्रिकेट के गेंदबाज थे, तेज गेंदबाज थे, और उस समय जब आईपीएल शुरू हो रहा था तो स्टुअर्ट ब्रॉड से कई सारी टीमों ने कॉन्टैक्ट किया था। लेकिन उस समय स्टुअर्ट ब्रॉड ने एक छदम्ब बनाया था कि हाँ वो आईपीएल में आकर खेलेंगे। अंग्रेज खिलाड़ी शुरू से जब आईपीएल शुरू हुआ था ना तो आईपीएल को बहुत ज्यादा ठेंगा दिखाते थे, स्टुअर्ट ब्रॉड भी उनमें से एक थे। हालांकि उस समय आईपीएल में खेलने के नाम पर उनकी ब्रांड वैल्यू बढ़ गई और इंग्लैंड में 2008 में जो उनकी ब्रांड वैल्यू थी, ऐतिहासिक आंकड़े हैं कि उन्होंने काफ़ी पैसे और करोड़ों रुपए की ब्रांड डील्स भी की, लेकिन वो आईपीएल में आकर खेले ही नहीं। हालांकि उसके बाद वो 2-3 साल तक लगातार कहते रहे, लेकिन बाद में ठेंगा दिखा दिया। और रिसेंटली 3 साल पहले उनका ये बयान आया कि आईपीएल एक पजामा और तमाशा क्रिकेट है, मतलब आईपीएल एक तरह से फेरी टेल फेयर है, ये रियल क्रिकेट नहीं है। ये सारी चीजें बताती हैं कि स्टुअर्ट ब्रॉड ने भी आईपीएल को ठेंगा दिखाया। दोस्तों चौथे खिलाड़ी जो जिनका नाम सुनकर आप बहुत हैरान होने वाले हैं आज, लेकिन अभी भी वो आईपीएल खेल रहे हैं और इस लिस्ट में नाम है, वो है क्रिस गेल। क्रिस गेल का इतिहास आईपीएल में अच्छा भी रहा है, बुरा भी रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में नहीं बिके जब आईपीएल शुरू हुआ, बाद में केकेआर की तरफ से शुरुआती सीजन खेले, फिर आरसीबी की तरफ से एक लंबा इनका फेस चला, आरसीबी ने करोड़ों रुपए दिए हैं दोस्तों क्रिस गेल को आईपीएल में खेलने के। और क्रिस गेल ने भी नो डाउट बहुत सर्व किया है आईपीएल में, लेकिन 2018 में बहुत सारी स्थिति गेल से जुड़ी हुई बदल गई, क्योंकि 2018 में आरसीबी की टीम ने रिलीज कर दिया क्रिस गेल को, क्रिस गेल आईपीएल से बाहर हो गए अपनी आरसीबी की टीम से, फिर उन्हें नीलामी में जाना पड़ा। नीलामी में वो शुरुआती 3 बार ऑक्शन टेबल पे आने के बावजूद भी नहीं बिके, लास्ट टाइम बेस प्राइस पर किंग्स इलेवन पंजाब की टीम ने 2018 में उन्हें खरीदा। लेकिन उसके बाद गेल का बयान जो आया वो बहुत हैरान करने वाला था। गेल का बयान यह था कि सहवाग एंड किंग्स इलेवन पंजाब सेव्ड आईपीएल बाय पिकिंग मी, मतलब आईपीएल को बचा लिया, आईपीएल पर एहसान कर दिया है सहवाग और पंजाब की टीम ने
क्रिस गेल को खरीद कर। उनका सीधा कहने का मतलब ये था कि गेल इज इक्वल टू आईपीएल, मतलब अगर गेल नहीं है तो आईपीएल की कल्पना नहीं की जा सकती। तो जिस आईपीएल ने क्रिस गेल को बनाया, बाद में वो ये कहने लगे कि भाई आईपीएल तो मेरे अंडर में चल रहा है। हालांकि उसके बाद वो अपने बयान से पलटे, अभी भी आईपीएल खेल रहे हैं, लेकिन इस बात ने ये जरूर बता दिया कि जब 12.5 करोड़ से उनकी कीमत 2 करोड़ पे आ गई तो उनके बोल भी बदल गए। और पांचवें और आखिरी खिलाड़ी जिनका नाम हमने हमारी लिस्ट में रखा है वो है भाई इंग्लैंड के जिमी एंडरसन, जिन्हें हम जेम्स एंडरसन भी कहते हैं। दोस्तों जेम्स एंडरसन का इतिहास भी आईपीएल में कुछ भी नहीं रहा है, क्योंकि आईपीएल खेले नहीं है, लेकिन ऑफ द फील्ड कई रिकॉर्ड इनके आईपीएल से जुड़े हैं। दरअसल 2008 में इन्होंने साफ मना कर दिया कि आईपीएल में नहीं खेलेंगे। 2009 में फिर ये कहने लगे कि उन्हें आईपीएल में जाकर खेलना है। उस समय ये लिमिटेड ओवर क्रिकेट भी खेलते थे, सिर्फ टेस्ट गेंदबाज नहीं थे। हालांकि उस समय इनकी भी ब्रांड वैल्यू बढ़ी, आरसीबी की टीम ने उस समय इनसे कॉन्टैक्ट किया, उन्हें करोड़ों रुपये का ऑफर भी दिया। लेकिन भाई जैसा अंग्रेज खिलाड़ियों के बारे में कहा जाता है ना कि आईपीएल के बारे में लगातार बोलते हैं, जिमी एंडरसन के साथ भी ऐसा ही हुआ है। एंडरसन आईपीएल में खेले नहीं, अपनी ब्रांड नाम अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़वा ली, हालांकि बाद में टेस्ट क्रिकेट को सुपीरियर बताने लगे और कहने लगे कि आईपीएल से बेहतर टेस्ट क्रिकेट है। हालांकि जिमी एंडरसन को इसका ज़्यादा ठीकरा नहीं फोड़ना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा पैसा नहीं कमाया आईपीएल के नाम से, पर कुछ तो कमाया ये अपनी ब्रांड वैल्यू से। तो भाई ये मेरे हिसाब से वो 5 खिलाड़ी थे जो आईपीएल में करोड़ों रुपए आईपीएल के साथ अपना नाम जोड़कर कमा चुके हैं, लेकिन अब आईपीएल को ही ठेंगा दिखाते हैं, आईपीएल के खिलाफ बातें करते हैं। दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? क्या इनमें से कोई सा खिलाड़ी सही था या गलत था? क्या इनमें से किसी की एंट्री अब आईपीएल में होनी चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स आपके लिए है, तो कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए।